ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, लास्ट क्लास में हमने बुक्स ऑफ बायर और का हमने जनरल एंट्री पूरा कर लिया था, जो भी हमारे पास क्वेश्चन था। लास्ट क्लास का लेके चलते हैं, क्या क्या कर लिया। लास्ट क्लास हमारा यहाँ खत्म हुआ था, हमने पीसी को डिस्चार्ज कर लिया था, ठीक है ना। और पीसी को डिस्चार्ज करने का मतलब हमने ये देख लिया था कि पीसी को क्या क्या पेमेंट देंगे। तो सर, पीसी को क्या क्या पेमेंट देंगे? तो पीसी को जो पेमेंट देने वाले थे, हम तीन चीजें देने वाले थे पीसी को। क्या क्या सर? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और कैश। कैश क्या निकला था बताओगे? क्या क्वेश्चन में गिवन था या बैलेंसिंग फिगर? बिल्कुल सही, ये था हमारा बैलेंसिंग फिगर। नाउ अब हमें क्या करना है? अब हमें बैलेंस शीट बनाना है, क्योंकि एक बैलेंस शीट तो बना के दिखाऊंगा मैं कि कैसे बनेगा। इसके अंदर कुछ एक एडजस्टमेंट था जो कि पेंडिंग था मेरी तरफ से, उस एडजस्टमेंट की भी डिस्कशन करना है। सर, कौन सा एडजस्टमेंट पेंडिंग है जिसपे क्वेश्चन मार्क लगाया है? ये सारा एडजस्टमेंट पहले हम देखेंगे और फिर हम आगे बैलेंस शीट की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, पहले वाला, ये वाला एडजस्टमेंट साइड डन हो गया ना। अब हम बात करते हैं इस वाले एडजस्टमेंट की। तो ये एडजस्टमेंट भी बता दिया था कि दूसरे में डील होगा। ये है हमारा कॉमन डेट का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले हम कॉमन डेट, उसके बाद टू बी कंटिन्यू आगे जाएंगे। हमारा टॉपिक है कॉमन डेट। कॉमन सर, ये क्या होता है कॉमन डेट? मान लीजिए हमारे पास दो है, एक मिहुल लिमिटेड, एक राहुल लिमिटेड। मान लेते हैं एक आर लिमिटेड और एक एम लिमिटेड। चलो इसको हटाते, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन को सोचोगे। मैं कर लेता हूं एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड और एक है वाई लिमिटेड। क्या ये दोनों कंपनी सेम है या अलग अलग है? ये दोनों कंपनी बिल्कुल अलग अलग है। ये कंपनी और ये कंपनी, ये दोनों कंपनी बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं इस कंपनी का काम जो है वर्क है, इस कंपनी का जो वर्क है ये एक किसान है। मान लेते हैं एक्स लिमिटेड का फार्मिंग का काम है, किसान है, और ये सुगर केन यानी गन्ने का, गन्ने की खेती है इसकी, ठीक है ना। तो सर, जो एक्स लिमिटेड गन्ने की खेती कर रहा है, ये क्या करेगा गन्ने को बताओ? क्या कर सकते हैं? खुद खाएगा डेली? नहीं। क्या करेगा फिर? सेल करेगा। किसको सेल करेगा? कंपनी को। जो नॉर्मली हम खाते हैं या जूस पीते हैं तो वो तो 1 या 2% होता है, 1% भी बहुत ज्यादा बोल दिया, वो तो बहुत थोड़ा सा मात्रा है। मेनली किसको सेल करते हैं? चीनी बनाने वाली कंपनी को। चीनी बनाने वाली कंपनी क्या करता है? इस गन्ने से पूरा फिल्टर करके चीनी बना के, चीनी और गुड़ और भी बहुत सारी चीजें बन जाती है, उसको क्या करती है? मार्केट में बेच देती है। इसके बाद ये कंपनी है, इसका काम है सुगर केन बनाने का, यानी ये चीनी बनाने वाली कंपनी है। सर, अगर ये चीनी वाली बनाने वाली कंपनी है तो ये चीनी बनाती होगी, बिल्कुल सही। अब एक्स लिमिटेड जो है वो बेचती किसको है? वो बेच देती है इसको, इसी को बेचेगी। एक्स लिमिटेड का ना एक और काम है, कैटरिंग का भी काम है। मान लेते हैं कैटरिंग का काम समझते हो? हाँ, कैटरिंग का, जैसे आपने शादी वगैरह देखा होगा, पार्टी ऑर्गेनाइज करने का, तो एक हलवाई का काम समझो। सिंपल सी बात है, एक
हलवाई का काम समझ लो। एक हलवाई है, अब बताओ हलवाई को क्या चीनी की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे स्वीट्स बना रहा है ये। इसी कंपनी के अंदर ये दो काम कर रहा है, एक तरफ ये गन्ना उगा रहा है, खेती कर रहा है, दूसरी तरफ एक इसका हलवाई का काम है, मिठाई वगैरह बेच रहा है। और वाई लिमिटेड का काम चीनी का है। एक्स लिमिटेड ने गन्ना उगाया और किसको बेच दिया जाके बताओ? इसने जाके सीधा बेच दिया वाई लिमिटेड को। मान लेते हैं 50,000 रुपए का गन्ना बेचा वाई लिमिटेड को, समझे? अब हुआ क्या, इसको जब चीनी की जरूरत पड़ी एक्स लिमिटेड को, गन्ने की तो नहीं पड़ रही, चीनी की तो पड़ेगी ना, तो इसने सोचा कि मैं बाहर वालों से खरीदने से बेहतर है कि मैं क्या करूं बताओ, जिसको मैं सप्लाई करता हूं वहां से रेट कम भी मिलेगा और उससे मुझे क्या लेना है, पैसे तो लेने ही है। इसने इसको ही कॉन्टैक्ट किया और कॉन्टैक्ट करने के बाद इसने इससे खरीद लिया 30,000 रुपए का खरीद लिया, ठीक है। अब हम किसी एक कंपनी को सोचते हैं, हम बात करते हैं वाई लिमिटेड का, हमें वाई लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, पहले वाई लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो वाई लिमिटेड बोलेगा कि मेरा एक्स लिमिटेड डेटर है। कोई बता सकता है कि वाई लिमिटेड ऐसा क्यों कह रहा है? डेटर है, डेटर है तो कितने का है, कितने का? एक्स लिमिटेड ने कहा कि वाई लिमिटेड ने कहा कि एक्स लिमिटेड मेरा जो है वो डेटर है, मैंने इसको उधार माल बेचा हुआ है। क्या सही कह रहा है ये? बिल्कुल सही कह रहा है। और ये डील सारे उधार, तो कितने रुपए का डेटर है? 30,000 का। थोड़ी देर बाद कहता है एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड मेरा क्रेडिटर है। तो क्या वाई लिमिटेड कहता है कि एक्स लिमिटेड क्या है, मेरा क्रेडिटर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, वाई लिमिटेड बोलता है कि एक्स मेरा डेटर है, मैंने इसको उधार माल बेचा है। थोड़ी देर बाद फिर से वाई लिमिटेड कहता है कि एक्स लिमिटेड मेरा क्रेडिटर है। तो क्या वाई लिमिटेड पागल है? यस, जो है वो एक्चुअल बता रहा है, एक्चुअल बता रहा है, क्योंकि इसने इसको सामान बेचा और इसी से खरीदा। तो वाई लिमिटेड जो अपनी बैलेंस शीट में डेटर तो दिखा ही रहा होगा, और कितने का दिखा रहा होगा, और अपने बैलेंस शीट में क्या दिखा रहा होगा, क्रेडिटर भी कितने का। तो एक कंपनी के अंदर सेम चीजें हैं, इसको बोलते हैं कॉमन डेट। अगर वाई लिमिटेड को हिसाब करना होगा, किससे हिसाब करेगा ये? एक्स लिमिटेड से हिसाब करेगा, तो बताइए नेट में क्या होने वाला है? यानी वो कहेगा भाई देख तेरे से 30 लेने हैं, मेरे को 50 देने हैं, तो तेरे को और कितने देने रह जाएंगे? 20। यानी कहना चाहते हो 30,000 रुपए का सेटलमेंट हो जाएगा यहाँ। तो 30 का सेटलमेंट होगा, तो क्यों ना मैं यहाँ पे 30,000 रुपए क्या कर दूं? सर 30,000 रुपए क्यों ना यहाँ पे मैं माइनस कर दूं? यानी कॉमन, जो कि कॉमन अमाउंट है, और क्यों ना यहां पे भी माइनस कर दूं कॉमन अमाउंट को। तो सर डेटर कितना बचा और ये कितना बचा? 20। समझ में आई बात आपको? हमने सारी चीजें करी वाई लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक बार हम एक्स लिमिटेड की भी तो बैलेंस शीटों का सोच रहे हैं, ताकि मैं दोनों चीजें बोल के एक वर्ड बोल के मैं इसे खत्म करूंगा। तो सर ये भी बनाएगा बैलेंस शीट? बिल्कुल ये भी बनाएगा, ये बना रहा है बैलेंस शीट। जब ये बैलेंस शीट बना रहा होगा, तो बैलेंस शीट में क्या एक्स लिमिटेड ने डेटर लिखा होगा? बिल्कुल लिखा होगा डेटर। कौन बताएगा एक्स लिमिटेड का डेटर, बताओ क्या है? सिंपल सी बात है सर, 50,000। और क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर सर 30,000। ये समझ में आ रही है बात आपको? 30,000 है। अब अगर एक्स लिमिटेड हिसाब करने को बैठेगा तो बोलेगा भाई एक्स लिमिटेड अगर हिसाब करता है, फुल एंड फाइनल करता है, तो इसको और पैसे लेने ही मिलेंगे। कितने? 20,000। इसका मतलब माइनस कर दें दोनों साइड से माइनस कर दें क्या? कॉमन डेट माइनस कर दें। कितने? 30,000 यहां से माइनस करें और माइनस यहां से फिर से कॉमन डेट कर दें। कितने?
30,000 रुपए माइनस कर दें। हिसाब दोनों की साइड से बैलेंस शीट बराबर, किसी को दोनों के बैलेंस शीट में कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज नोटिस करना, दोनों तरफ में अमाउंट है एक 30, अमाउंट है एक 50। अगर कॉमन डेट हुआ ड्यू टू हिम ड्यू फ्रॉम हिम, वर्ड ऐसे होता है कि डेटर इंक्लूड और क्रेडिटर इंक्लूड, अगर दोनों में कॉमन डेट हुआ तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहां पे भी 30 ही माइनस हो रहा है, इन दोनों में से लोअर कौन सा है? अगर इस पॉइंट से सोचे तो इन दोनों में से लोअर 30 अगेन क्या माइनस हो रहा है? 30। तो जब कॉमन डेट होता है तो जिस कंपनी का भी काम कर रहे हो, चाहे आप इस कंपनी का काम करिए चाहे इस कंपनी के लिए काम करिए, दोनों में से जो कम अमाउंट होगा उसे डेटर में से भी माइनस कर देंगे और क्रेडिटर से, क्योंकि सेटलमेंट तो कम अमाउंट हो सकता है, ज्यादा अमाउंट कभी भी सेटलमेंट नहीं हो सकता। समझ में आई बात आपको? कोई भी कंपनी हो, मैंने दोनों तरफ को प्रूफ करके इसलिए दिखाया। अगर कोई बच्चा बोलता है सर मान लो डेटर 60 होता और क्रेडिटर 30 होता, तो भाई जो कम है वो करो। अगर क्रेडिटर 60 होता और डेटर 20 होता तो 20 करो। समझे बात? तो उसमें ये कॉन्सेप्ट मत लगाना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर डेटर 30 है क्रेडिटर 50 है, ऐसे करके सोच के कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा दोनों साइड क्या हो जाएगा? माइनस। समझे बात? चलिए यहां पे एडजस्टमेंट में एक यही बात कह रहा था, सन्ड्री डेटर ऑफ राहुल लिमिटेड इंक्लूड 5,000 रुपए ड्यू फ्रॉम मिहुल लिमिटेड। अब एक डेटर है, एक तो ये कॉमन डेट का हो गया। डेटर का मतलब है जब मैंने सामने वाली कंपनी को खरीदा, अब डेटर की कहता है कि राहुल लिमिटेड के जो बैलेंस शीट है यहां पे डेटर शो हो रहा होगा कितने का, 5,000 का, और जो मेहुल लिमिटेड है मेहुल लिमिटेड का क्रेडिटर शो हो रहा होगा कितने का। अब जब राहुल लिमिटेड इसको खरीद लेगा तो मेहुल लिमिटेड किसकी कंपनी मानी जाएगी? राहुल लिमिटेड की। ऐसे सिचुएशन में जब राहुल लिमिटेड का माना जाएगा तो राहुल लिमिटेड को पैसे लेने मेहुल लिमिटेड से, जो कि है नहीं, इसका मतलब मेरा ही डेटर है और मेरा ही क्या बन गया वो क्रेडिटर। तो हम खुद को ही बेच रहे हैं अभी हम, और खुद से ही खरीद रहे हैं, कॉमन हो गया ना। तो जब ये बैलेंस शीट बनाएगा राहुल लिमिटेड अपनी, तो वो क्या करेगा, डेटर में से भी 5,000 घटा देगा और अपने क्रेडिटर में से भी 5,000 घटाएगा। सर क्रेडिटर में से क्यों 5,000 घटाएगा? क्योंकि क्रेडिटर खरीद लिया ना उसने, क्रेडिटर भी तो इसी का होगा। तो एक जनरल एंट्री अगर मैं बोलूं यहां पे कि क्या करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में जनरल एंट्री जो होगा वो होगा, मैं किसके बुक्स में बात कर रहा हूं, बायर की बुक चल रही है, बायर क्या करेगा, मैंने जनरल एंट्री पीछे किया था ना, मैंने बनाया था सिर्फ पीसी निकाला, अभी जनरल भी नहीं हुआ है ना, तो अभी जनरल करेंगे तो सीक्वेंस से पता चल जाएगा, ठीक है ना। जनरल तो किया नहीं, मुझे लगा मैंने जनरल कर रखा है तो सीक्वेंस से करेंगे। 30,000 कहां से आई, ये मेरा एग्जांपल था 30,000 रुपए, और उसी के हिसाब से बुक का क्वेश्चन नहीं है वो, ठीक है। तो चलिए अब जनरल एंट्री हम एक एक करके कर लेते हैं पूरे बुक्स का, जिसके सब कुछ कवर हो जाएगा, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जनरल एंट्री, ये समझ में आ गया कॉमन डेट, ठीक है। इस क्वेश्चन में आए चाहे ना आए, पीछे आने वाले क्वेश्चन में तो ये सारी बातें आएंगी, जिसमें आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है। जनरल एंट्री तो करना है हमें, चलिए जनरल एंट्री नंबर 1 बिजनेस परचेज का, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर। सर अमाउंट कितने का होगा? अमाउंट यहां हमेशा आता है पीसी का, और आप ध्यान दें पीसी निकाला था कहां गया जी, 8,26,000। तो पीसी निकाला था हमने 8,26,000, ठीक है। एंट्री नंबर 2, सारे एसेट्स खरीद लें इसके,
तो एसेट्स जब खरीदेंगे तो क्या क्या एसेट्स है इसके पास, ये भी देख लेते हैं। ये देखिए इसके पास सारे एसेट्स हैं, और एसेट्स को अब किस वैल्यू पे लेना है, इस वैल्यू पे लेना है जो पीसी के अंदर कंसीडर किया गया है, उस वैल्यू पे लेंगे, ठीक है ना। तो आपने नोटिंग अगर कर रखा है तो मुझे बताते जाइएगा। बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ताकि मुझे बैक ना जाना पड़े। तो सबसे पहले है बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने रुपए का, 4,80,000। वो कौन सा मार्केट वैल्यू है जो पीसी के अंदर था। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी मशीनरी डेबिट कितने का, 1,08,000। इसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने का, 12,000। इसके बाद गुडविल भी लिया था, गुडविल अकाउंट डेबिट कितने का, 1,50,000। इसके बाद और इन्वेंट्री, पिचासी हजार, और डेटर, डेटर कितने का, 1,27,500, और अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट 42,000, और लाइबिलिटी में आ जाए, क्या क्या है लाइबिलिटी में, क्रेडिटर 59,000। इसके बाद डिबेंचर 9%, 1,00,000 रुपए। इसके बाद टू, अब इसमें माइनस भी कर दिया था हमने कॉमन वाला, हाँ, अदर करंट लाइबिलिटी 40,000 रुपए, और अब लास्ट में लिखते हैं पीसी। और जो सर पीसी अमाउंट जो है, जिसको परचेज कंसिडरेशन कहते हैं, 8,00,000। अब कहीं ना कहीं तो डिफरेंस निकलेगा, चेक करते हैं कहां डिफरेंस है, फटाफट चेक करके बताइए। मैच हो रहा है दोनों साइड, तो सर दोनों साइड मैच हो गया। तो मैंने देखो, याद होगा मैंने तीन बातें बताई थी, जब हमारा कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता मैच हो जाता है, एक बताया था प्रॉफिट होता है लेस, हाँ बैंक भी आएगा, बैंक बैलेंस भी है, तो लीजिए बैंक भी डाल देते हैं, बैंक डेबिट बी, और कुछ है, दोनों साइड मैच हो गया, चेक करिए आप, मैं भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लूं। 4,80,000, 1,08,000, 12,000, 1,50,000, 85,000, ये आ गया 10,25,000, माइनस 59,000, माइनस 1,00,000, माइनस 40,000, तो दोनों साइड हो गया एकदम बराबर। तीसरी एंट्री क्या करते हैं बताओ, पीसी करते हैं डिस्चार्ज, पीसी डिस्चार्ज, पीसी डिस्चार्ज की बात चल रही है ना। तो चलिए पीसी डिस्चार्ज करते हैं, क्या करेंगे, लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या दिया था देख लेते हैं, आप देखिए क्या क्या दिया था, यहां दिया था ना हमने, तो इक्विटी प्रेफरेंस और कैश, तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी लिखना होगा, तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और टू कैश। सर ये 12% प्रेफरेंस शेयर राहुल लिमिटेड का है ना, ये जो प्रेफरेंस शेयर यहां पे लिखेंगे वो वाला प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे जिस कंपनी के अंदर हम जा रहे हैं, परसेंटेज वो होगा। तो देखिए आप यहां पे, अगर हम देखें तो कहां गया, ये रहा
तो प्रेफरेंस शेयर हम जा रहे हैं किसके अंदर, इधर आ रहे हैं, इधर की साइड आ रहे हैं प्रेफरेंस शेयर में। तो इस कंपनी का था हमारा 10%, जब इधर से इधर आ रहे हैं तो हमें मिलेगा 12, तो इसलिए मैंने वहां पे परसेंटेज 10 की जगह पे क्या बदल दिया, 12। तो जिस कंपनी में हम जाएंगे, जिस कंपनी में हम जाएंगे उसी कंपनी का परसेंटेज देना है। अगर 10 किया गड़बड़ गलत, ठीक है ना, तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद इसको हम मैच करते हैं। टोटल था ये 8,26,000, जिसमें से इक्विटी शेयर दिए थे हमने कितने, 5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, तो कितने शेयर थे नंबर, 4,80,000। अब कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ क्लियर कर दूं। सर 5-6 ये है और ये 12 के हिसाब से है ना, 12 के हिसाब से किया था, तो सर 12 थोड़ी होता, फेस वैल्यू जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो यानी 2 का प्रीमियम है। तो नंबर कैसे पता चलेगा सर हमें, तो नंबर या तो यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है, अगर आप 12 हटा के अगर करते हो काउंट तो नंबर पता चल जाता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है 5,76,000 का दिया है ना आपने, तो 5,76,000 को डिवाइड कर दो किससे, 12 से, तो आपको क्या पता चल जाएगा सर, नंबर पता चल जाएगा। तो नंबर कितने आ रहे हैं, 48,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, सिर्फ 48,000 रुपये जाएगा, तो यहां पे जाएगा हमारा 48,000 × 10, यानी 4 लाख। प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे हमने डिस्चार्ज किया था, हमने ये नहीं कहा था कि मेरी कंपनी का भी आपको प्रीमियम पे मिलेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि तुम्हारे शेयर को मैं तुम्हारे पास 10 रुपए, 10 के बदले में 12 दे रहा हूं, तो प्रीमियम का कोई रोल नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारी कंपनी का शेयर 10 रुपए का है और मैं अपनी कंपनी का 12 में तुम्हें दूंगा, यानी जब मैं अपना सामान महंगा बेचेगा ना, जब अपना सामान महंगा बेचूंगा जब मैं, तब जाके प्रीमियम का रोल आएगा। इक्विटी में तो यही था ना, 10 वाला मैंने अपना कितने का बेच दिया, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं बोला। प्रेफरेंस शेयर बोला तुम्हारा मैं महंगा ले रहा हूं लेकिन अपना मैं सेम वैल्यू पे दूंगा, एट पार। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि भाई प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं, ये रहा फोर्थ पॉइंट, कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर मिहुल लिमिटेड, यानी मिहुल कौन है जो बिक रहा है, पेड 10% प्रीमियम, हम तुम्हें 10% एक्स्ट्रा देंगे सेलर कंपनी बाय इशू 12% प्रेफरेंस शेयर, हम अपनी कंपनी का देंगे, लेकिन अपनी कंपनी वाला हम तुम्हें महंगा नहीं देंगे, अपनी कंपनी वाला एट पार। तो यहां प्रीमियम का कोई रोल नहीं होगा, समझने वाली बात है। बच्चे मिस्टेक करते हैं सर प्रीमियम प्रीमियम, रट्टा मत लगाना। अगर मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर मैं अपनी कंपनी का सामान तुम्हें प्रीमियम पे देने वाला हूं तो प्रीमियम की एंट्री करेंगे, अगर तुम्हारी कंपनी का सामान मैं प्रीमियम पे खरीद लूं तो क्या मतलब है, हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं तो उसमें प्रीमियम की एंट्री कोई भी नहीं होगा। इक्विटी शेयर में क्या किया था, मैंने अपनी कंपनी का 10 वाला शेयर तुम्हें कितने में बेचा, इसलिए मैं प्रीमियम की एंट्री कर रहा हूं। समझ में आई बात आपको? तो चलिए यहां पे सिक्योर्ड प्रेफरेंस शेयर कितने का बना था हमारा, 2,20,000 का, और सिक्योरिटी प्रीमियम निकालना है तो 48,000 और 2 का है 96,000, कैश में क्या आया था 30,000। लो जी ये जनरल एंट्री हो गया, दो एंट्री कितने हुए, 3। चौथी एंट्री किसकी थी, डिबेंचर डिस्चार्ज। क्या यहां पे हमने डिबेंचर डिस्चार्ज किया है, क्वेश्चन में बोला है, बिल्कुल देखते हैं क्वेश्चन में क्या डिबेंचर डिस्चार्ज की बात कर रहा था ये। तो यहां पे डिबेंचर का डिस्चार्ज करने की कोई बात नहीं चल रही, कहीं भी बोला है हमने डिबेंचर होल्डर को इतना पे किया है। 6 पॉइंट में कह रहे हो, 6 पॉइंट कह रहे हो, ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ राहुल लिमिटेड 9% डिबेंचर मिहुल लिमिटेड 1,000 रुपए परचेज, तो ये अलग बात है थोड़ी सी। कहता है कि राहुल लिमिटेड ने उसकी कंपनी में डिबेंचर खरीद रखा था, कंपनी को खरीदने से पहले इन्वेस्टमेंट, लेकिन नाउ अब डिबेंचर का डिस्चार्ज की बात नहीं कहा, तो डिबेंचर को डिस्चार्ज की बात बोले चाहे ना बोले आपने करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार इस एडजस्टमेंट को पढ़ के फिर डिबेंचर को पढ़ लेते हैं। कहता है राहुल लिमिटेड जो है ना, जो बायर कंपनी है, उसने मिहुल लिमिटेड के डिबेंचर खरीद रखे थे पहले ही,
और कितने के खरीद रखे थे, फेस वैल्यू 1 लाख का, और जबकि उसके अंदर उसने लगाए थे 95,000। तो पहले तो ये कैंसिल करेगा, ये अपनी कंपनी का इन्वेस्टमेंट कैंसिल करेगा, और फिर उसकी कंपनी का डिबेंचर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप देखेंगे यहां पीसी में, जो मैंने पीसी निकाला है, इसमें मैंने डिबेंचर भी लिखा है, देख रहे हो, इसमें डिबेंचर, तो 1 लाख रुपए का डिबेंचर है ये, और टोटल इसके पास 1 लाख का ही डिबेंचर है, और मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट भी 1 लाख का ही किया था फेस वैल्यू, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, इसी डिबेंचर की बात चल रही है। लेकिन सर यहां पे 2 लाख की बात होता तो क्या करते हम, तो ऐसे सिचुएशन में 1 लाख तो कैंसिल करते, कैसे कैंसिल करते, डिबेंचर को डेबिट करके और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करके, बाकी का 1 लाख रुपए का बिना बोले हम नए डिबेंचर दे देते अपनी कंपनी का। मैंने बताया था डिबेंचर के केस में कि भाई डिबेंचर होल्डर को तो हमें नया इश्यू करना पड़ेगा, क्वेश्चन बोले तो उसके हिसाब से, नहीं बोलता तो बस हमें करना होगा बिकने वाला कंपनी का डिबेंचर डिवाइडेड बाय बायर कंपनी का डिबेंचर, परसेंटेज जिसका जो होगा वो लिख के करें, ठीक है ना। तो हालांकि यहां पे नहीं है, इसे हटा देते हैं फिर, यानी इत्तफाकन देखो सिर्फ 1 लाख रुपए का ही डिबेंचर आया यहाँ पे, और आपको पता है कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो पहले तो मैं भाई अपना इन्वेस्टमेंट भी कैंसिल करूं और डिबेंचर खत्म करते हैं, 9% डिबेंचर, फेस वैल्यू पूरा खत्म हो जाएगा 1 लाख रुपए, मैं अपना इन्वेस्टमेंट भी खत्म करूंगा। मैंने खरीदा कितने का था इन्वेस्टमेंट, 95 का, और फिर मैं इन्वेस्टमेंट के बाद मेरा फायदा हो गया, उसको कहां भेज दूंगा मैं, कैपिटल रिजर्व में, कितने का, 5,000 रुपए का, कोई दिक्कत बताइए इसमें, ठीक है। कोई भी दूसरी एंट्री तो यहां निकल के आया नहीं, जो कि एक्सपेंस वाली बात तो थी नहीं पूरे में कहीं भी। एक एडजस्टमेंट बनता है कॉमन डेट वाला, जो मैं समझा रहा था, तो कॉमन डेट वाले भी यही जर्नल एंट्री करना है। तो कॉमन डेट में कितने रुपए का कॉमन डेट था, क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आप देखिएगा, कॉमन डेट की बात करें तो ये रहा हमारा कॉमन डेट वाला, तो क्वेश्चन में कहता है 5,000 रुपए का कॉमन डेट है, तो भाई किस कंपनी में था, किस में नहीं था, ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है मैं क्या कर दूं, क्रेडिटर डेबिट कर दूं, क्रेडिटर खत्म और क्या, डेटर भी खत्म, और 5,000 रुपए कह रहा है तो 5,000 रुपए से खत्म हो गया, दैट्स इट। यानी मैंने अपना डेटर खत्म किया, तो इसलिए मैं डेटर क्रेडिट कर रहा हूं, क्योंकि अब मेरा हो चुका है क्रेडिटर, देख रहे हो, अब ये मेरा क्रेडिटर है इस एंट्री के बाद, तो तुम्हारा तो है ही नहीं, तो मेरे क्रेडिटर, मैंने ही खुद को उधार बेच रखा है, मैंने ही खुद से उधार खरीदा भी है, तो उस पॉइंट को क्या करो, यहां से एलिमिनेट कर दो। इसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट का भी पार्ट आएगा, हम वो देखेंगे अभी, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ, एक एडजस्टमेंट था एमलगेमेशन स्टैच्यूरी रिजर्व वाला, क्वेश्चन में था ना लास्ट एडजस्टमेंट देखिए क्या कहता है, कहता है कि स्टैच्यूरी रिजर्व आर टू बी मेंटेन 2 ईयर मोर, नहीं भी बोलता, हमें पता चल गया था स्टैच्यूरी रिजर्व है, तो इसकी एंट्री हम करेंगे ही करेंगे। सर इसकी एंट्री क्या होगा, एमलगेमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैच्यूरी रिजर्व, कितने रुपए का है बताओ, हाँ सर 10,000 का, ये एंट्री कर दिया। तो लो जी, हमने बायर का बुक्स ऑफ अकाउंट पूरा क्या करा, अच्छा यहां पे जो है 5,000 ना, हाँ देखो अब कैपिटल रिजर्व वहां से तो नहीं निकला, लेकिन यहां से निकल गया, इसको सेट ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास गुडविल भी है, तो जो कम अमाउंट होता है हमेशा उसी को सेट करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। तो 10,000 हमारा कैपिटल, 5,000 कैपिटल रिजर्व है, तो कैपिटल रिजर्व के केस में हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और गुडविल को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एक और एंट्री कर देते हैं,
कैपिटल रिजर्व डेबिट, और टू आपने पूरा फेयर करके लिखना है, ये 5,000 और अब बैलेंस शीट बनाऊंगा ना तो और क्लियरिटी आ जाएगा कि कौन से अमाउंट को हम जोड़ रहे हैं, कौन से अमाउंट को घटा रहे हैं, तो उससे और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी हमें। बुक्स ही खत्म हो गया। नोटिंग के लिए हर क्लास के अंदर मैं भेज देता हूं, जैसे कि मैं लिख भी देता हूं, चलो जो ये क्लास नंबर है जो आपके उसमें डला होगा, क्लास नंबर है ये 6, तो 06 के नाम से फोल्डर और उसके अंदर मिलेगा। और जो मैं पीडीएफ भेजूंगा ना आपके फोल्डर में क्लास नोट वाला, वो याद रखना पहली क्लास से लेके एंड क्लास तक होगा, पहली क्लास से लेके एंड क्लास। तो आपको कौन सी क्लास नोट कर लेनी है, सिर्फ 6 क्लास उठाया और उसको देख लेना, समझे बात आप। पुरानी भी आपके पास हर डेली अपडेट करता रहूंगा मैं। आ जाते हैं अब बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें बनती है, दो चीजें, नोट्स टू अकाउंट्स और क्या हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स और चलिए इसका नाम दे देते हैं नोट्स और इसका नाम दे देते हैं अमाउंट। तो देखो एक क्लास में तो मैंने बैलेंस शीट का नोट बना के दिखाया ही है, किस किस का नोट बनेगा नहीं बनेगा बना लोगे, मेरे लिए जो यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है वो मैं करके दिखाता जाऊंगा, ठीक है ना। तो अब जो बैलेंस शीट उठाना है, हमारी वाली बैलेंस शीट उठानी है, यानी राहुल लिमिटेड की बैलेंस शीट। और ये बैलेंस शीट जो बनेगा वो बनेगा भी किसका, आर लिमिटेड का जो होगा, ठीक है ना। बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही है जो फाइनल अकाउंट में आप लोगों को सिखाया हुआ है पहले, बिल्कुल सेम। अभी मैं बैलेंस शीट सिर्फ अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करके दिखा रहा हूँ, बाकी फॉर्मेटिंग बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, वो सारी बातें वही फॉलो करना है जो कि आपने सीखा है किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी के अंदर, ठीक है। तो पहली बात, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, इक्विटी, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म भी यूज करूंगा, एंड लाइबिलिटी, इसके अंदर आ जाते हैं इसके अंदर क्या आएगा, पहले फर्स्ट पॉइंट शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा ए पार्ट शेयर कैपिटल और बी पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। चलिए नोट बना लेते हैं, हम शेयर कैपिटल की नोट्स की बात करते हैं। तो सर शेयर कैपिटल का जो नोट होगा, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल। सर इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो हमारी कंपनी वाली पहले चेक तो करो, जो हमारी वाली है पहले वो तो चेक करेंगे हम। तो हमारी वाली कितने की है, आपका हमारे वाली की बात से मतलब मैं समझाऊं तो हमारे बैलेंस शीट में आ जाओ, देख रहे हो हमारी वाली तो ये है ना, 5,00,000 यानी 50,000 रुपए प्लस उसको भी कुछ दिए थे 48,000, याद होगा ना मैंने निकाला था ना, उसको भी दे रहे हैं हम 48,000। तो टोटल कितने शेयर हो गए, टोटल शेयर की बात करें हम तो टोटल शेयर सर हो जाएगा 50, तो मेरे पास था
और प्लस 48 और टोटल शेयर जो है वो 10 रुपए का है, तो इसका मतलब शेयर कैपिटल में आ जाएगा 9 लाख। ये तो इक्विटी है सर। अब आ जाते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हमारा कितना था वो प्लस उसको कितने का दिया, तो हमारा कितने का था 3 लाख का, और प्लस उसको कितने का दिया 2 लाख। तो सर ये जो प्रेफरेंस शेयर होगा वो प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा 5 लाख, और तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कुछ नहीं आता। टोटल कर देते हैं 9, 5, 14, 15 लाख। तो 15 लाख रुपए का टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो कि हम नोट नंबर यहां लिखेंगे 1 और यहां भी लिख देते हैं 1, और यहां पहुंच गया हमारा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी यहां तक? रिजर्व एंड सरप्लस, इसका भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बना देता हूं। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट। सर रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है देख लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, सबसे पहले अपनी कंपनी का रिजर्व है, दूसरे की देखना ही नहीं है, सिर्फ अपनी कंपनी का, दूसरे का एक ही चीज देखना है, या तो देखना है हमें एमलगेमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व यानी स्टैचुरी रिजर्व, दूसरे कंपनी का हमारे में जुड़ेगा, और दूसरी कंपनी का कुछ भी नहीं होगा, हमारी कंपनी का रिजर्व और हमारी कंपनी की जनरल एंट्री से अगर कोई रिजर्व वगैरह कैपिटल रिजर्व निकल के आ रहा है तो वो। तो हमारी कंपनी का रिजर्व है क्या है बताइए, बैलेंस शीट में देख के। रिजर्व है हमारी कंपनी का कितने का, और क्या है बताइए? सरप्लस, सरप्लस है हमारा 50,000 हमारी कंपनी का, है ना? हमारी कंपनी का मतलब आर लिमिटेड से है। और क्या है? स्टैचुरी रिजर्व। सर स्टैचुरी रिजर्व के केस में दोनों लेना है, उसका भी ले लेंगे अपना भी ले लेंगे, नहीं तो छोड़ो उसका, हम अपने जनरल एंट्री से उठा लेंगे। हमारी कंपनी का कितना है? 20,000 है, प्लस जनरल एंट्री में भी था एक, जो कि देखिए हमने करा था क्रिएट, यानी क्रिएट किया हुआ है, तो 10,000 ये भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो टोटल आ गए 30,000 रुपए। ठीक है ना? क्या और कोई रिजर्व हमारी जनरल एंट्री में? चेक करते हैं सर है रिजर्व, लेकिन ये तो कैंसिल हो गया तो ये तो जाएगा नहीं। और कुछ है क्या? बिल्कुल, एक सिक्योरिटी प्रीमियम भी है 96,000, इसको भी ऐड कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम 96,000, और कुछ भी नहीं है। तो सो दैट यहां पे क्या होगा, कितने? 2,76,000 रुपए। सबसे मुश्किल दो ही चीजें रहती है, बाकी तो सब छोटी छोटी चीजें, मैं इसी के अंदर एडजस्ट कर दूंगा। 2 लाख, देखो दो क्लासेस में लिया है मैंने इसको करने के लिए, तो मैं धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली मैं लेके चल रहा हूं, यहाँ पे भगा नहीं रहा मैं यहाँ पे आपको। अगर ये बेसिक पार्ट्स पता चल जाता है ना, हाँ ये बायर की एंट्री है, ये एंट्री लिक्विडेटर, ये माइंड में एक बार एंट्री याद हो गया, बस वहां से क्वेश्चन में देखना है, पुट करना है। ठीक है ना? क्वेश्चन है सर एक बार डिबेंचर वाली एंट्री बता दो। डिबेंचर वाली एंट्री ठीक है, अभी देखते हैं, पहले मैं एक बार बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेता हूँ, फिर मैं दोबारा एक बार पूरा रिपीट कर दूंगा। ठीक है सर, आपने कैश में 30,000 क्यों लिया? मिहिर लिमिटेड का तो 20 है। कैश में 30 इसलिए लिया है मैंने, डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर था जो हम उसे देंगे। मिहुल वाला कैश तो अलग से लिया हुआ, वो भी मैं बातें बताऊंगा, मैंने पढ़ लिया आप लोगों का कमेंट, पहले मैं एक बार बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लूं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं 2 पे। सर 2 क्या होगा? नॉन करंट लाइबिलिटी, और सर नॉन करंट लाइबिलिटी में तो एक ही बातें आ सकती है, डिबेंचर। और हमारी कंपनी का डिबेंचर कितने परसेंट था? 10%, 9% डिबेंचर। अब 9% डिबेंचर में अपनी कंपनी का देखेंगे, दूसरी कंपनी का भी इसमें आता, लेकिन दूसरी का बचा ही नहीं है ना, तो कितने का डिबेंचर आएगा? हमारी कंपनी का 1.5 लाख है। क्या उसमें से कोई डिबेंचर कॉमनली कैंसिल भी हुआ है? ये भी चेक करना है। ठीक है ना? देखिए
डिबेंचर, कोई भी मेरा डिबेंचर यहां डेबिट हो रहा है, ये हो रहा है, ये तो उसकी कंपनी का है, हमारी कंपनी का तो था ही नहीं, वो तो कैंसिल ही हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं बैलेंस शीट में जाके देखूं, तो हमारी कंपनी का सिर्फ डिबेंचर की बात करते हैं लॉन्ग टर्म, तो हमारी कंपनी में क्या है 1.5 लाख, और जो इसकी कंपनी का 1.5 लाख वो तो सारा क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है ना, वो सारा क्या हो चुका है कैंसिल। तो मैं अपनी कंपनी का डिबेंचर ले लूं, अगर उस कंपनी का ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं होता कि उसका कॉमन है या लेना देना है, तो मैं वो भी 1.5 लाख, ये भी 1.5 लाख, कितने ले लेता टोटल 3 लाख, उस 1.5 लाख की एक एंट्री भी हमें शो हो रहा होता फिर। तो चलिए डिबेंचर की बात करते हैं, 1.5 लाख रुपए का, इसके लिए कोई नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर थ्री करंट लाइबिलिटी, इसके अंदर क्या क्या पार्ट है वो सारी चीजें देख लेंगे। क्या क्या है? क्रेडिटर, कितने का क्रेडिटर पहले अपनी चेक करो, 1 लाख बताइए, 1 लाख का। अब उसकी कंपनी को भी क्रेडिटर को मिलाएंगे, तो उसकी कंपनी का क्रेडिटर कितने का है, 59, कट करके बता रहे हो आप, टोटल लो, देखो ऐसे लेते हैं, मैं कर नहीं रहा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, जनरल एंट्री में आ जाते हैं, ये देखिए उसकी कंपनी का क्रेडिटर 59 और फिर 5 का कैंसिल, समझ रहे हो बात को, कैंसिल भी गया था ना 5 का, याद है ना, तो अल्टीमेटली उसकी कंपनी का क्रेडिटर तो था और 5 का मैंने कैंसिल भी कर दिया था, तो हमारे पास जो क्रेडिटर जुड़ने वाला है वो 59 तो नहीं जुड़ेगा, कितने जुड़ेंगे 54। तो यहां पे प्लस करने जा रहा हूं मैं 54, किसी को दिक्कत? तो 1 लाख, और ये सारी बातें आपने नोट में लिखनी है। और क्या है लाइबिलिटी में? अदर करंट लाइबिलिटी, कितने का? 60,000 मेरा, 40,000, इसमें कोई बदलाव हुआ ही नहीं, तो देखो ये पूरा ही लेने जा रहा हूं, और ये आ जाएगा हमारा टोटल। सर टोटल कितने का आ जाएगा बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलिए हम बैलेंस शीट पे और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब हमें बनाना है एसेट, पार्ट नंबर टू एसेट। एसेट्स के अंदर क्या आएगा हमारा? एसेट्स में सबसे पहला पार्ट क्या आता है हमारा? यहां पे आएगा पॉइंट प्रॉपर्टी नॉन करंट एसेट्स, है ना, तो वन पार्ट नॉन करंट एसेट, और इसके अंदर आ जाएगा हमारा ए पार्ट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सर ये AS10 है, AS10 की बातें हैं ये, जो कि बदल गया थोड़ा सा, और बदला हुआ ही कर रहे हैं, हमें नहीं जानना कि पीछे क्या था, ठीक है ना। तो PPE हमारा आएगा, PPE में फिक्स एसेट्स, तो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो इसके लिए भी नोट बना लेते हैं 3, तो सर फिक्स एसेट्स का नोट बनाते हैं, PPE के लिए हम नोट बनाने जा रहे हैं नंबर 3। तो चलिए बताइए पीपीई में नोट किस किस का रहेगा, पहले अपनी कंपनी का देख लेंगे, बिल्डिंग कितने रुपए का? 3 लाख का। और मशीनरी 1 लाख, और फर्नीचर ये अपनी कंपनी का बता रहे हो ना, 20,000, और
अब इसमें दूसरी कंपनी का भी जोड़ते हैं तो कितने का जुड़ेगा? 4.8 लाख, और 1,08,000 जो हमने खरीदा है, आपको याद होगा कि जनरल एंट्री में देख रहे हो ये 4,80, 1,08, 12,000, गुडविल भी आ जाएगा 1,50,000 का, लेकिन गुडविल तो कैंसिल भी हुआ है हमारा, तो गुडविल पता है कितने का जोड़ेंगे हम? 1,00,000 था और 5,000 का क्या हो गया? कैंसिल। तो 1,00,000, 1,50,000 में से 1,45 आएगा, ठीक है ना? तो चलिए, फर्नीचर कितने का? 12,000, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइज में, चलिए। और इसके बाद क्या है? और तो कुछ है नहीं, टोटल कर लेते हैं, शॉर्ट में लिखूंगा, कितने? 7.8, 2.08 और 32,000, 10,00,000। तो थोड़ा देखो, स्पेस एडजस्टमेंट हो नहीं पाया मेरे से, करूंगा टाइम जाएगा नेसेसरी, तो मैंने इधर करके दिखा दिया, समझ में आ जाएगा। थोड़ा मैं छोटा कर दूं और पूरे शीट को ही मैं कर देता हूं, सो दैट आपको दिख जाएगा, अब प्रॉपर विजुअल है, ठीक है। 10,20,000, तो हमने यहां पे लिख दिया 10,20,000, ठीक है। अब गुडविल की बात आएगी, गुडविल क्या? इंटेंजिबल एसेट्स। उसके लिए नोट बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि एक ही अमाउंट था। तो इंटेंजिबल एसेट्स बी पार्ट, बी पार्ट, थोड़ा थिकनेस कम कर लेते हैं, इंटेंजिबल एसेट। सर, इंटेंजिबल एसेट्स जो होगा, आपको दिखाया था ना पीछे, कितने का? देखिए, यहां पे था 1,50,000 और कैंसिल कर दिया था 5 का, तो 145, तो 145, क्लियर। आगे चलते हैं, और क्या है? वो तो कैंसिल ही हो गया, कब? देखो, पीसी के टाइम पे ही कैंसिल कर बैठे थे हम, के इन्वेस्टमेंट हमारा कॉमन आ रहा था, उसको हमने क्या कर दिया था पीसी के टाइम पे? अच्छा, 2,00,000 का था इन्वेस्टमेंट, जिसमें से 95,000 कैंसिल हो गया, तो कितने का बच गया? 1,00,000। जनरल एंट्री में देख लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन हो ना, तो जनरल एंट्री ये रहा, हमारा इन्वेस्टमेंट 95 का कम हुआ है, 2,00,000 में से 95 का कम हो गया, तो 1,05,000 का बच गया, तो आ जाएगा हमारा सी पार्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का? 1,05,000। बताइए, कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद और क्या है? करंट एसेट्स थोड़ा इसे ऊपर करते हैं ताकि विजुअल हो, बाकी मैं पीडीएफ में कवर कर लूंगा इसको। चलिए, अब करंट एसेट्स पे आ जाते हैं। करंट एसेट्स की अगर हम बात करें, तो करंट एसेट्स हमारा आएगा सेकंड पॉइंट, और थिकनेस अगेन बढ़ा लेते हैं। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या क्या है बताइए? इन्वेंट्री, ए पॉइंट आएगा इन्वेंट्री, और ए पॉइंट इन्वेंट्री की हम बात करें तो कितने होंगे? इन्वेंट्री क्या होगा बताओ? 1,85,000 रुपए। एक लाख पिचासी हजार तो हमें दोनों इन्वेंट्री चेक करना है ना, दूसरे की भी और अपनी भी। तो देखो, यहां इन्वेंट्री का नोट बनाना चाहो तो इन्वेंट्री का बना लीजिए, नोट नंबर 4 है, ठीक है, नोट नंबर 4, इन्वेंट्री। सर, इन्वेंट्री हमारी कंपनी का कितना है? 1,00,000। उसकी कंपनी का कितना खरीदा? जनरल एंट्री में देखिए,
उसकी कंपनी का इन्वेंट्री हम लेके बैठे हैं 85, यही जुड़ेगा तो 85, तो टोटल हो गया 185, और ये नोट नंबर 4 में आ गया 185। देखो मैं अगेन कह रहा हूं, यहां पे मैंने नोट का कोई सिस्टमेटिक फॉर्मेटिक पे ध्यान नहीं दे रहा मैं, क्योंकि बैलेंस शीट की फॉर्मेटिंग फाइनल अकाउंट में कर रखी है। यहां पे सिर्फ मेरा मुद्दा ये है, मेन कॉन्सेप्ट ये है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और बैलेंस शीट की किस अमाउंट को किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाए, बस ये पर्पस है मेरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और किस पे चलेंगे? डेटर पे। डेटर बी पार्ट, ट्रेड रिसीवेबल जिसे बोलते हैं, है ना। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या है यही लिख देता हूं। मेरी कंपनी का 3 लाख, और दूसरी कंपनी का देखोगे आप तो दूसरी कंपनी का डेटर था 1,27,000, और कुछ कैंसिल भी हुआ 5,000 का, तो 1,27,500 में से 5,000 घटा देंगे तो 1,22,500। समझ में आ रहा है ये 1,22,500, तो टोटल हो गया 3,04,22,500। आगे पॉइंट पे चलते हैं हम। और क्या है? कैश का बैलेंस। कैश का हमारी कंपनी का बैलेंस, तो हमारी कंपनी का बैलेंस क्या है बैलेंस शीट में देखिए आपके पास है तो 30,000, और उसकी कंपनी का भी कुछ ले लिया था। उसकी कंपनी का अगर आप देखते हो तो कितने ले लिए थे मैंने, ये रहा लास्ट में करा था ना 20। एक बच्चे का डाउट आया, सर यहां पे 30 क्यों लिया आपने जब 20 था तो? तो उसका डाउट का जवाब ये है कि सर ये वाला जो 20 था ना वो ये वाला 20 है, ये वाला हमने डिस्चार्ज करते टाइम पे लास्ट क्लास में समझाया था, ये बैलेंसिंग फिगर निकला था, ये वो वाला कैश नहीं है जो कि सेलर कंपनी के बैलेंस शीट में है, ये वो वाला कैश है जो बायर कंपनी अपने पॉकेट से उसको देगा, दोनों में फर्क है वो। तो चलिए, तो टोटल आ गया हमारा, कैश की बात करें तो 20,000 ये। अब देखिए 30,000 हमारे पास है, 20,000 उसका खरीदा और अपने पॉकेट से दिया भी, कितने दिए 30,000 रुपए दिए थे पॉकेट से, सर कौन से वाला पॉकेट से दिया, पेमेंट कर रहे हैं ना उसको, तो टोटल क्या आ जाएगा 20,000 आ गया। ठीक है, और क्या है? डी पार्ट, अदर करंट एसेट्स, ये कितना है? मेरी कंपनी का 2,20, 2,30 है मेरी कंपनी का, मेरी कंपनी का है 2.3 लाख, और उसकी कंपनी का 50, देख लो जर्नल एंट्री में, उसकी कंपनी का 42,500 है, देखो गलत मत बताओ 42,500। तो एक काम करते हैं, यहां पे आ नहीं रहा, मैं इधर करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट्स है तो यहां पे लेके आते हैं, अदर करंट एसेट्स में हमारी कंपनी का है कितने, 2,30,000, और प्लस उसका 1,00,000 सिर्फ 42,500, तो कितने आ गए 2,72,500 जी। तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2,00,000। अब असली परीक्षा अब है टोटल में, अब टोटल हमें इसका करते हैं पहले 21,80,000, सेम इसका टोटल करो है 10,000 गायब। अच्छा हाँ 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 हाँ, एक मैं पॉइंट बताना भूल गया, इसके अंदर स्टैचुरी रिजर्व के अंदर भी पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि हमने एंट्री क्या करा है, बायर ने करा है, बायर ने एंट्री करा है एमलगेमेशन एडजस्टमेंट, स्टैचुरी रिजर्व तो हमारे पास आ गया लेकिन एमलगेमेशन एडजस्टमेंट तो पेंडिंग रह गया, तो उसको हम एसेट्स में लेके चलते हैं। तो एसेट्स में कहां लेके चलेंगे सर, बताओ कहां लेके चलेंगे, अदर नॉन करंट एसेट डी में, अदर नॉन करंट एसेट, और ये 10,000, और ये टोटल आ जाएगा 21,00,000,
₹80,000 टोटल आ गया। तो ये पूरा का पूरा था हमारा क्वेश्चन। और अब देखा जाए तो इस क्वेश्चन के बाद जो मैंने होमवर्क में दिया था, आगे के 2-3 क्वेश्चन अभी और दे देता हूं, वो भी हो जाएगा। अब जिस जिसका डाउट है वो देख लेते हैं। पूरा पीडीएफ जो है वो स्टोर के अंदर डल जाएगा आपको, नोटिंग की टेंशन नहीं लेना कि ये रहता है वो रहता है, मैं पूरा अभी डाल दूंगा। तो एक 30,000-20,000 का डाउट ले लिया, सर एक बार डिबेंचर की एंट्री बता दो, डिबेंचर में क्या बताना है, हैंड रेज करो। चाहत मैं बता देता हूं अभी आपको, जिसका भी जो डाउट है हैंड रेज करिए, मैं बता देता हूं फटाफट। हाँ, होमवर्क वाले क्वेश्चन अभी इमेज क्लिक करके भेजते हैं। हाँ दिखाइए, बुक दिखाइए, होमवर्क दे दूं। होमवर्क में रहेगा, हमने कौन सा क्वेश्चन किया अभी, 9। चलिए 10 भी करना है, जो एडजस्ट, सिर्फ ना आप बैलेंस शीट मत बनाइएगा, जनरल एंट्री जो आएगा छोड़ देना, जो नहीं आएगा, आएगा तो करना ही है, ठीक है। 11 भी करिए, 11 तो दे दिया था या नहीं दिया था, अब दे देता हूं 11। डाउट आएंगे डेफिनेटली, मैं अगली क्लास में सबके एडजस्टमेंट करूंगा सिर्फ, अभी मर्जर नहीं करा, बस दो ही क्वेश्चन करिए, यही बहुत है। और एक 13 कर सकते हैं, 13 आसान है, ठीक है। कल की क्लास सेम टाइम, सुबह 7 बजे मिलते हैं। एक बार जो क्वेश्चन मैंने दिया है ना, वो मुझे एक पीडीएफ बना के घर जाके भेज देना, ताकि मैं इसमें डाल दूं, कुछ बच्चों के पास बुक नहीं है तो वो कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल सुबह अगेन।